कैलाश पर्वत के रहस्य। ये चीज सुनते ही आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे कि क्या वहाँ लोग टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं? क्या पर्वत की पोजीशन बदल जाती है? क्या ये पूरी दुनिया का सेंट्रल एक्सिस है? क्या कैलाश पर्वत पर सही में स्वास्तिक और ओम बनते हैं? वहाँ के लेक्स का शेप बाकी सब लेक्स से इतना अलग कैसे है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या कैलाश पर्वत पर लोग टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं? दरअसल जो लोग कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए वहां जाते हैं, वो बताते हैं कि वहां पर उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। मतलब जो ग्रोथ 2 हफ्ते में होती है, वो वहां सिर्फ 12 घंटों में हो जाती है। वहां एजिंग की प्रोसेस तेज हो जाती है। दूसरा सवाल, क्या पर्वत की पोजीशन बदलती रहती है? बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, पर 11वीं शताब्दी के एक बुद्धिस्ट मंक मिलारेपा के अलावा वहां कोई भी नहीं चढ़ सका। बाकी सभी ट्रैकर चढ़ते हुए अपने आप दूसरी दिशा में चले गए, या फिर अचानक से मौसम इतना खराब हो जाता है कि उन्हें मजबूरन वहां से उतरना पड़ता है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पवित्र है और यहां स्वयं भगवान शिव मौजूद हैं, इसलिए पर्वत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पर्वत पर कदम ना रखना ही सही माना गया है। तीसरा सवाल, क्या कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का सेंट्रल एक्सिस है? रूस और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इस चीज पर बहुत रिसर्च करी है और कैलाश पर्वत की पवित्र चोटी को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। इसे एक्सिस मुंडी नाम दिया गया है। कैलाश पर्वत का एक और बहुत चौंकाने वाला रहस्य ये है कि ये दुनिया के बहुत से मॉन्यूमेंट्स जैसे स्टोनहेंज से कनेक्टेड है। ये नॉर्थ पोल से भी कनेक्टेड है, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इन सब से कैलाश पर्वत की दूरी एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर है। चौथा सवाल, क्या कैलाश पर्वत में स्वास्तिक और ओम बनते हैं? दरअसल जब सनसेट हो रहा होता है, तब ये देखा गया है कि कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक के आकार की एक शैडो पड़ती है और बर्फ से कई बार ओम भी बनता देखा गया है। पांचवा सवाल, वहाँ की लेक्स का शेप बाकी लेक से इतना अलग कैसे है? कैलाश में 2 लेक्स हैं, एक मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। अब इन दोनों की खासियत ये है कि मानसरोवर का शेप सन के जैसा है, जबकि राक्षस ताल का शेप क्रीसेंट शेप है, यानी चंद्रमा जैसा। एक और चौंका देने वाली बात यह है कि मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है, जबकि राक्षस ताल एक सॉल्ट वाटर लेक है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की हमारी ये वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।